प्लेट वन और प्लेट टू, यानी कि एक सलाद का प्लेट है और एक रोटी और सब्जी का प्लेट है, अलवादा, ऊपर से ये करेला, मत पूछो, पीना पड़ेगा, आप लोग के सामने पीऊंगा इसको, नहीं तो आप लोग बोलेंगे बना लेता है खाली दिखाता हमको है, पीता तो है ही नहीं खुद ही, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भाई मैं खुद पेशेंट हूँ, जब मुझे खुद डायबिटीज है मैं ही ठीक होऊंगा, मैं आपको वीडियो बना क्या आने वाला है, मुझे कितना पैसा मिलने वाला है कि ये कुछ भी बना के कुछ भी दिखाऊंगा, कुछ फायदा नहीं, इससे बेस्ट है मैं ही पीऊंगा इसको, क्योंकि मैं ही रिवर्सल दिखाऊंगा ना आपको, मतलब डायबिटीज का क्योर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, और हो रहा है, ये फायदा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनोज, डायबिटीज गुरु जी में आप सभी का स्वागत है। आज है 17 जून, यानी कि ये आज मेरा चौथा ब्लॉग है, तो आज हम लोग देखते हैं कि शुगर रिपोर्ट क्या है मॉर्निंग की, सुबह के 6:45 हो रहा है, 6:43, बाद में उसी हेल्थ को बचाने के लिए अपना वेल्थ खर्चा कर देता है, आप समझ रहे हो, पहले पैसा कमाता है वेल्थ को जमा करने के लिए, बाद में उसी वेल्थ पे खर्चा कर देता है अपने हेल्थ पे, तो आप समझ लीजिए ऐसे वेल्थ का क्या फायदा, आप वेल्थ भी कमाइए लेकिन स्वस्थ सुबह सुबह जरूर रहिए, सुबह जल्दी उठिए, अगर ये डायबिटीज ठीक करना है मेरे साथ में ये फॉलोअप करिए, आप लोग भी फायदा होगा। सुबह सुबह क्या करना चाहिए कि जैसे उठ गए फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद आपको ध्यान और ये सब करना है, जो भी आप कास्ट के हों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, जो आपको जमता है सुबह सुबह आप अपना कर लीजिए, उसके बाद योगा कर लेना है, योगा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो और आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसके बिना योगा का कंट्रोल नहीं होता, तो योगा में क्या है जैसे कपालभाति है, मंडूकासन है, अनुलोम विलोम है, ये सारे योगासन आपको कर लेने चाहिए। जैसे भस्त्रिका है, भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट करना चाहिए, फिर कपालभाति, कपालभाति करने के बाद अग्निशार, मेन इसमें काम जो करता है डायबिटीज में इंसुलिन रिलीज करने के लिए वो है हमारा पेनक्रियास, तो पेनक्रियास को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट है मंडूकासन, मंडूकासन जितना भी ज़्यादा आप करोगे आप समझ लीजिए उतना ही बेस्ट रिजल्ट आने वाला है। मंडूकासन करने के लिए सीधा सा वज्रासन बैठ जाना है, वज्रासन बैठने के बाद उंगलियों को अंगूठा अंदर करके, ठीक है, इसको ऐसा मोड़ लेते हैं और इसको टच करने का, तो ये जो पोर्शन है ये हमारे नाभि को लग जाएगा ऐसे, और फिर इसको लगा लेना है, नाभि लगा लेना है और फिर झुक जाना है, और ये करते हुए ये भी करना है, मतलब मंडूकासन में झुकने के बाद कपालभाति करना है, इससे डबल फायदा होगा। ये भी कम से कम 10-15 मिनट जितना आप कर सकें, अब कम से कम 30 सेकंड रुकना ही पड़ेगा इस पोजीशन में, ये करने के बाद उंगली हाथों को ऐसा खुला रखिए और फिर ऐसा ऐसा रख लीजिए सेकंड पोजीशन, ये कम से कम 3 से 5 बार आप करिए, नहीं तो टाइमिंग हिसाब से कर सकते हैं, फिर इस तरह से कर लीजिए, सांस खींच के छोड़ दीजिए और झुक जाइए, सेम पोजीशन, इसको भी कम से कम 30 सेकंड रुकना है और ज़्यादा ज़्यादा आप जितना टाइम रुक सकें,
और इसमें कपाल भाती करते रहना है, इससे डबल फायदा होगा। अनुलोम विलोम कर लेना है, एक सांस से एक नाक से खींचना है और एक नाक से छोड़ना है आराम से। सांस अंदर रोकना है फिर उसको वापिस छोड़ देना है, जिससे छोड़े थे उसी से वापिस लेना है। इस तरह से आप इसको 5 से 10 मिनट करना है आपको, जितना हो सके उस हिसाब से आप कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में करेंगे तो आपको जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा सर में दर्द ऐसा सा लगने लग जाएगा, लेकिन करते हैं तो आपको फायदा उसका होने लग जाएगा। ये व्यायाम आप करेंगे प्लस अनुलोम विलोम जो भ्रामरी होता है भ्रामरी कर सकते हैं इसे। ओम तो कर लेना है, फिर ओ इन तीन बार दोनों पोजीशन को कर लेना, इससे आपको एक शांति और रिलीफ मिल जाएगा, एकदम माइंड शांत हो जाएगा। और इस व्यायाम को आप कम से कम 1 घंटे तक रिपीट करते रहिएगा। मैं पूरा वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, वही हिसाब से। तो सुबह हो गया, चलते हैं अभी अपनी शुगर भी चेक कर लेते हैं हमारी शुगर इसमें कितनी आई है, और प्लस एक रेसिपी भी आपको दिखा देते हैं। और सीधी सी बात है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह आपको कम से कम अपने लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा और जल्दी उठना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मैं डेली एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ये सुबह कितने बजे मैं उठता था पहले, वही 8 बजे 7 बजे, आज उठ रहा हूँ मैं 4 बजे, आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो जब आप जल्दी उठना शुरू हो जाएंगे तो अपने आप अच्छा बॉडी में अच्छा लगेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और शुगर भी अपने आप कंट्रोल होने लग जाएगी, मेन थिंग ये है। तो अपने लिए अगर आप हेल्थ इज वेल्थ। तो 7:15 बज रहा है सुबह का, देखते हैं शुगर रिपोर्ट क्या आता है। बाकी अच्छा बहुत लग रहा है, चाहे शुगर ज़्यादा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और कल शाम का जो मैंने रिपोर्ट निकाला था उसकी जो रिपोर्ट आई थी खाना खाने के बाद 217 आया था, मैंने यहाँ लिखा हुआ है 217, यानी कि उसके पहले दिन जो निकाला था उसमें रिपोर्ट आई थी 285। दूसरे दिन मैंने सिर्फ क्या खाया था रात को, सिर्फ सलाद का वो मतलब सूप बनाया था वेजिटेबल, और उसका रिपोर्ट कितना बढ़िया आया, पहला उंगली हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, आज चौथा दिन है तो चौथे का नंबर तो यही होगा, आज इसका देख लेते हैं। बाकी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, मुझे काफी फ्रेशनेस महसूस हो रहा है और काफी एनर्जी है बॉडी में, आप बता रहा हूँ मतलब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि क्या बात है। 202 शुगर आई है, आप देख लीजिए, हाँ ये मॉर्निंग में है, यही शुगर यदि आप 202 यही शुगर यदि आप चेक करेंगे एक दो घंटे बाद और चेक करेंगे तो शुगर और कम आ सकती है, ठीक है। तो फास्टिंग शुगर 202 आई है, अब समझ लीजिए स्टार्टिंग जो हुई थी 240 से हुई थी, फिर उसके बाद 204 आई थी, फिर कल की शुगर 201 आई थी, आज 202 आया हुआ है, यानी कि रात में शुगर जो है ऐसा नहीं बढ़ जाता है, बढ़ता ही है और आता है क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है हमको एक्टिविटी करने के लिए। तो आज मैंने क्या किया है, थोड़ा सा आज चौथा दिन है, थोड़ा सा डाइट भी चेंज कर रहा हूँ क्योंकि 202 शुगर आ चुकी है, अब फास्टिंग है ये मेरी, और मैंने एक्सरसाइज भी कर लिया है, ऐसा नहीं मैंने एक्सरसाइज भी किया, योगा भी कर लिया, सब किया, कभी 1-1.5 घंटे से वही कर रहा था, ध्यान किया, योगा किया। इसके बाद आपको ये दिखा दूं कि अब इसके साथ में जो बाबा रामदेव का वेलनेस में जो रेसिपी है उनके डायबिटीज क्योर में, तो खीरा कलेटा टमाटर का, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है,
आप लोग को बता दूं, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि करेला खीरा टमाटर का जूस पीने से शुगर कितनी घटती है। तो इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसका डिटेल भी जाके देख सकते हैं, मेरे वीडियो पे सेक्शन में जाके देखेंगे तो उसे मिल जाएगा। बाकी मैं इसकी रेसिपी आपको दिखा देता हूँ ये, और मैंने ये लिया है चिरैता कट। ये अनीता, अनीता इसमें सर्वकल्प कौत, जो सर्वकल्प कौत है उसको डाला हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर सर्वकल्प कौत, जिसको आप जानते होंगे जिसको डायबिटीज है उसको फैटी लिवर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही होगी, ये सच्चाई है। सोनोग्राफी आप करवा के देखिए, अगर आपको दाएं बाएं में दर्द है पीछे दर्द है तो आप एक बार सोनोग्राफी कराइए, क्योंकि उसमें बहुत तकलीफ आ रही है फैटी लिवर का। तो मैंने जो बनाया हुआ काढ़ा ये मैंने क्या किया था, रात को भिगो दिया था एक चम्मच, ये यानी कि 5 ग्राम ये भिगोया था सर्वकल्प कौत। फिर चिरैता देख लीजिए, चिरैता है ये, ठीक है, चिरैता लिया, चिरैता भिगो दिया एक चम्मच यानी 5 ग्राम वो भिगो दिया, और गिलोय, ठीक है, गिलोय लिया और गिलोय को भी भिगो दिया, ये रात को भिगो दिए, और सुबह इसको जैसे एक इतना बनाने का है तो इतना डबल पानी मिला के इसको बना लीजिए आप, क्योंकि रात को भिगोएंगे तो जल्दी इसका एक्सट्रैक्ट निकल जाएगा, और बना के ये बना ले लीजिए, हाँ ठीक है, क्योंकि ये डायबिटीज कंट्रोल के लिए उनकी रेसिपी में है, इसको भी हम फॉलोअप करेंगे अभी डेली बेस पे कि इसका रिजल्ट क्या आता है, और साथ में करेला खीरा टमाटर का भी जूस चालू करेंगे, क्योंकि शुगर अब मेरी 4 दिन में कंटिन्यूटी वही बनी हुई है 200 200 200। तो क्या कर रहा हूँ कि इसकी रेसिपी बना लेते हैं इसका, तो ये रेसिपी बना के इसको मिक्स करके पी लेते हैं। टमाटर हो गया, एक करेला हो गया, ये खीरा, यानी कि टमाटर करेला और खीरा इन सब का क्या बना लेंगे मिक्सचर, और पानी मत डालिएगा, क्योंकि पानी के तौर पे हम अपने रेसिपी में ये जो चिरैता का गिलोय का और सर्कल कौथ का, मैं बाबा रामदेव का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, तो इसमें थोड़ा डाल दीजिएगा, ये इसमें डाल दीजिए, ठीक है, इसमें डाल देने के बाद इसका ऐसा हो जाएगा कलर, और इसको क्योंकि पानी डाल देंगे तो एक गिलास ये हो जाएगा, एक गिलास ये हो जाएगा, तो फिर पी तो पाएंगे नहीं, ये तो पी नहीं पाएंगे, तो इससे बेस्ट क्या है इसी को डाल के इसको बना ले। एकदम बढ़िया इसमें गाढ़ा जूस हो जाएगा, अभी छोटे ग्लास में आएगा नहीं, फिर अपना ही बड़ा ग्लास। और इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत बहुत अच्छा वीडियो है, आप जाके देखिएगा, और आज मैंने फिर इसका वीडियो बनाई दिया, उसमें मैंने शुगर भी चेक किया है कितनी शुगर कम होती है, ये देख लीजिए, हाँ कितना गाढ़ा हो गया, ये देख रहे हैं पूरा भर गया, आधा लीटर तैयार हो गया ये, यानी कि वेजिटेबल हमने खा लिया समझ लो, ये वेजिटेबल हमने खा लिया, और इसको पियेंगे तो बहुत कड़वा लगेगा, बहुत मतलब बता नहीं सकते, लेकिन देखते हैं कि इसके बाद शाम का रिपोर्ट क्या आता है हमारा, फिर 2 दिन में क्या फर्क आता है, इसको डेली बेस पे चालू करूंगा मैं। मत पूछो भाई, इतना कड़वा है कि मैं लाइफ में इतना कड़वा नहीं पिया भाई, क्योंकि इसके अंदर जो चिरैता पड़ा है और गिलोय पड़ा है वो तो पहले से ही कड़वा था, ऊपर से ये करेला, मत पूछो, पीना पड़ेगा, आप लोग के सामने पीऊंगा इसको, नहीं तो आप लोग बोलेंगे बना लेता है खाली दिखाता हमको है, पीता तो है ही नहीं खुद ही, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भाई मैं खुद पेशेंट हूँ, जब मुझे खुद डायबिटीज है मैं ही ठीक होऊंगा, मैं आपको वीडियो बना क्या आने वाला है, मुझे कितना पैसा मिलने वाला है कि ये कुछ भी बना के कुछ भी दिखाऊंगा, कुछ फायदा नहीं, इससे बेस्ट है मैं ही पीऊंगा इसको, क्योंकि मैं ही रिवर्सल दिखाऊंगा ना आपको, मतलब डायबिटीज का क्योर होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा।
और हो रहा है, ये फायदा हुआ है। एक सांस में पिएंगे तो पी ले जाएंगे, रुक रुक के पिएंगे नहीं पी पाएंगे। चलिए आज की रेसिपी हो गई भाई, वीडियो दूसरा बना हुआ वो भी जाके देख लीजिएगा। बाकी वीडियो मेरे बने हुए हैं कि रोटी खाने से क्या होता है, चावल खाने से शुगर कितनी घटती बढ़ती है, बहुत कमेंट था चावल खाने से, लड्डू खाने से, दूध पीने से, चाय पीने से, सबका वीडियो बनाया हुआ। कम से कम मेरा वीडियो 100 वीडियो है यूट्यूब पे, आप जाके मेरे नाम सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। पेट पूरा भर गया है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा चलते वॉकिंग भी कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना, और कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है कि भाई आपके पास इतने सारे सर्टिफिकेट हैं तो आप लोग आपकी डाइट ऐसी क्यों नहीं हुई। तो बात मानिए भाई, हम भी लाइफ में यंग हैं, बूढ़े तो है नहीं, तो हम भी घूम फिर के जब आराम हो जाता है तो बाहर चले जाते हैं और सब उल्टे सीधे सब काम चालू हो जाते हैं, तो सब खाना पीना चालू हो जाता है, फिर वो वापिस सुबह अपने लेवल पर जाते हैं, क्योंकि भाई डायबिटीज हुई है तो हुई है, लाइफ स्टाइल अपने आप चेंज हो जाती है तो फिर वापिस बढ़ जाती है। आपने देखा जब मैं पहले वीडियो बना रहा था तो मैं फॉलोअप कर रहा था, ये तो बाबा शुगर आ रही थी और फिर उसमें मैं क्या आयुर्वेदिक गोली भी खा रहा था। फिलहाल अभी आयुर्वेदिक गोली नहीं खा रहा हूँ, आज सिर्फ चिरैता चालू किया हूँ, अगर इस पर और कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आयुर्वेदिक गोलियाँ भी इसके साथ में चला के दिखाऊंगा कि लास्ट तक अपने को उसको जीतना है और आपको हमारे साथ रहना है, ज्वाइंट रहना है, और आपको भी एक मशीन मंगा लेना है और फॉलोअप करते रहना है, तो आपको भी सच्चाई मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी उम्र 50 साल भी हो सकती है, 60 साल भी हो सकती है, 70 साल भी हो सकती है, आपकी उम्र 20 साल भी हो सकती है और 30-35 भी हो सकती है। तो सबका इंसुलिन अलग अलग बन रहा है, सबका शुगर अलग अलग रिपोर्ट बता रहा है, तो आपके हिसाब से क्या एक्टिविटी काम कर रही है, अगर आपको मालूम पड़ा कि उसे ही आपका काम हो जा रहा है तो आप बाकी का प्रोसेस मत करिए, उससे ही फॉलोअप करते रहिए तो आपके लिए अच्छा होगा। बाकी अगला वीडियो में फल खा के बता दूंगा, पेट भी भर गया, फल खा के बता दूंगा, फिर आगे वीडियो चलता रहेगा ये डेली की तरह। और वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कुछ कमेंट अच्छे भेजो। अगर आपको कुछ और भी इसमें सजेशन देना है, अगर आपको कुछ सजेशन है, कुछ मेडिसिन भी है वैसे आयुर्वेदिक की, तो भी मुझे बताइए, मैं भी वो मंगा के चेक करके दिखाऊंगा आप लोग को। देख लीजिए 10-8 नहीं तो फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाता है, इसलिए थोड़ा पीछे दिखाना पड़ता है, मुझे उल्टा दिखता है, कोई कोई वीडियो में आप लोग को उल्टा भी दिख रहा होगा। तो 10-8 हो चुका है, फल खाने का टाइम हो गया डीआईपी डाइट का, उस हिसाब से जो मुझे फल लेना था भाई, मैंने 500 ग्राम फल लिया है, इसमें थोड़ा सा फल कम पड़ गया, केला नहीं डाला हूँ क्योंकि केले की वजह से शुगर बढ़ सकता है, इसकी वजह से केला और पपीता नहीं डाल रहा हूँ। तो मैंने सिर्फ पेरू लिया है, आधा सेब लिया हुआ है, क्योंकि सेब का वीडियो भी बनना बहुत जरूरी था, इसलिए सेब भी आधा लिया हुआ है। और ये तो रनिंग आइटम, ये शुगर के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए ये हमेशा मंगा के रखा हूँ, आलू बुखारे को ये खा लेता हूँ। और भाई फल बहुत महंगे हैं आज टाइम पे, कम से कम अमरूद जो पेरू आ रहा है इसमें 50-60 रुपया तक केजी आ रहा है, सेब 200 रुपये किलो यहाँ पे आ रहा है, आप सोचिए 200 रुपये किलो, और ये 250 रुपये किलो है। तो आप ये समझ लीजिए कि फल खाना भी सबके लिए बस की बात नहीं है, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल गरीब इंसान डेली बेस पे फल नहीं खा सकता। अगर कोई कहता है कि ये रेगुलर खा सके तो पॉसिबल नहीं है, अभी इस फल की कीमत अगर लेंगे तो कम से कम 30-40 रुपये 50 रुपये का फल हो जाता है ये, तो आदमी अगर 1500 रुपये का 2000 का फल खाएगा हर महीने में तो बाकी खाना कैसे खाएगा, बाकी डाइट भी कैसे करना है इसको। तो इसलिए सीजनेबल फल खाइए, कहीं कहीं अमरूद बहुत सस्ते भी होंगे तो जो सीजन में फल आते हैं वही खाइए, जैसे आम है, आम सस्ते भी आ रहा है, आम 50 रुपये किलो भी आ रहा है, 100 रुपये किलो भी आ रहा है, तो वही हिसाब से मेरा काम था रेट भी बता देना, बाकी सबके लिए अपने अपने भाई सबके अपने अपने खर्चे हैं, तो हिसाब से ये फल खा लेता हूँ, फिर अगला जो रेसिपी है सलाद खाने के बाद वो सब दिखाऊंगा मैं। और उसमें 1:09 नहीं, दोपहर के 1:09 हो चुका है, तो खाना खा रहा हूँ, मतलब 1 बज चुका है, तो सीधी सी बात है सलाद में वही नॉर्मल चीज़ है जो गाजर, टमाटर, खीरा और चुकंदर, नॉर्मल जो चीज़ें हैं बाज़ार में ही मिलती हैं, ये सलाद खाना पड़ता है, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं बाज़ार में, और गरीब लोग को यही खाना पड़ता है, सबको नहीं ऐसा नहीं, आने के लिए तो बहुत सारा सलाद आएगा, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए यही सलाद मार्केट में मिलता है और सब यही खाते हैं, इसमें मूली भी ऐड कर सकते हैं, प्याज भी ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं, जो घर में हो आप खाइए उसको, जरूरी नहीं हमेशा भागना है, जो घर में हो खाइए, लेकिन उसे पहले सलाद से पेट भरना चाहिए, चाहे कोई भी सलाद हो, चाहे काकड़ी से ही पेट पूरा भर जाए, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये
नेनुआ की सब्जी है हम लोग बोलते हैं, और दो रोटी ली हुई है। रोटी में तो थोड़ा तेल लगाया, परोठा जैसा बना दिया गया है ये, और इसमें चना और नेनुआ की सब्जी है, यानी कि तरोई, ठीक है, इसकी सब्जी है ये। तो खा लेता हूँ, और खाने के बाद बाकी वीडियो मैंने बना दिया है करेले जूस पे, वो भी दिखिएगा। शाम को मैं आपको एक रेसिपी और दिखाऊंगा रहेगा, तो वेजिटेबल सूप का। कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि वेजिटेबल सूप का वीडियो दिखाइए, तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो, नहीं तो रेसिपी कल ही आएगी। चलिए इसको खा लेता हूँ, फिर दोपहर में आज शाम को कुछ अलग चीज़ पियेंगे। ये मटर की दाल है, ये पूरी है, टाइमिंग देख लीजिए 5:08 हो रहा है, 5:08, ठीक है। आप बाज़ार में भी रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा घर का आइटम मिलेगा, तो कुछ आइटम इधर का भी मिलेगा, आपको बाहर का खाना पड़ेगा शाम के समय। वो मत डालिए, मीठा मत डालिए, नहीं मीठा मत डालना, प्याज पड़ जाएगा, मीठा मत डालिएगा उसके अंदर, नहीं तो क्या आपकी शुगर बढ़ जाएगी। हो जाएगा पापड़ी, तो ये सेव पूरी तैयार हो गई है, ये देख लीजिए, इसको खा लेता हूँ और फिर आगे का वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, रात का वीडियो, रात को वेजिटेबल सूप का वीडियो बनाने वाला हूँ, तो रात को वेजिटेबल सूप का वीडियो बनेगा। हाँ, बाकी शुगर रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। नौ दो हो रहा है, जो बनाया हूँ मैं वेजिटेबल सूप, पूरी वेजिटेबल सब्जियां लिया हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगा, और सब पूरा इसका वीडियो बना दिया हूँ, वीडियो भी आप देख लीजिएगा पूरा इसकी रेसिपी का, कि ये काफ़ी फायदेमंद है और काफ़ी अच्छा है। यदि रात के समय किसी को अपनी जो फास्टिंग शुगर कम करना है, तो फास्टिंग शुगर कम करने में सबसे अच्छा मददगार है कि आपको रोटी चावल नहीं खाना पड़ेगा। यदि आप रोटी चावल खाते रहेंगे तो समझ लीजिए आपकी फास्टिंग शुगर कम नहीं होगी। तो रात के समय कोशिश कीजिए कि वेजिटेबल ही खाएं, कुछ दिन कोशिश कीजिए इसको खाने का, लेकिन एक टेस्टी के तौर पे भी बनाइए, ऐसा नहीं कि सादा, तो आप इसको बनाएंगे बहुत टेस्टी है, एक दिन आप बना के देखिए, मैं चैलेंज से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इसको आप बना के पीजिए। बाकी मैं जो वीडियो है इसका रेसिपी डाला हूँ, बाकी पूरा वीडियो दिन भर का दिखा दिया हूँ, सुबह 2 घंटे के बाद चेक होगी लगभग 11 बजे, ठीक है। भाई लेट हो गया, थोड़ा सा काम पे गया था, काम करने की वजह से लेट हो गया है, तो इसकी वजह से लेट भी नहीं, तो भी खाने की जो टाइमिंग है वो 8 बजे ही है, लेकिन लेट है, कभी कभार आपके साथ में भी हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने जो एक शिवपुरी का वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि मैं बाहर ही था इसकी वजह से। बाकी सुबह फास्टिंग का वीडियो दिखाऊंगा, और कल का भी वीडियो देखिएगा, कल रेसिपी कुछ चेंज होगी। 11:08 हो चुका है, ठीक है, तो 11:08 यानी कि 11 बज चुका है, 11 ज़्यादा हो चुका है, 2 घंटा हो गया है मुझे वेजिटेबल सूप पी के। वेजिटेबल सूप पीने के बाद कल भी मैंने जब शुगर चेक किया था, ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ी थी, तो आज भी चेक कर लेता हूँ, 2 घंटे हो चुके हैं। और वीडियो पे कैसा है कि जो मैंने आपको सुबह बताया था, करेला खीरे टमाटर का जूस, साथ में सर्कल कॉथ, गिलोय का कॉथ और चिरायता का कॉथ, ये जो मैंने आपको बताया था, ये डेली आपको 2 टाइम पीना है खाना खाने से पहले, यानी कि जब टमाटर खीरा का जो जूस बना था उसको जूस बना लेना है, उसको पीना है, और रात को जब आपको खाना खाने से 1/2 घंटा पहले पीना है, और मैंने पी लिया है, वो भी पिया है, उसका इफेक्ट थोड़ा टाइम बाद आएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, जो हड्डियों में पेन होता है, दर्द होता है, उसमें काफ़ी अच्छी राहत मिलती है उससे। तो चिराता जानते हो, कितना भी अंदर का बुखार हो उसको निकाल फेंकता है, गिलोय को जानते हो, हड्डियों का डेंगू का बुखार होता है सब निकाल देता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देता है, सबसे प्लस पॉइंट है तो इम्यूनिटी पावर बढ़ा देता है सबसे। ये
हापुस दो सौ पांच, यानी कि ये देखिए दो। अब आप सोचिए कल भी जब शुगर ये सूप पिया था और शुगर चेक किया था 207 आया था, और कल भी मैंने वही डाइट फॉलोअप की थी, सेम डाइट फॉलोअप किया था जिसमें शाम को जब शुगर चेक किया था 207 आया था, ठीक है। और आज अभी शुगर चेक किया हो तो 202 आया है, यानी कि सेम डाइट फॉलोअप करने के बाद 202-207 शुगर आ रही है खाना खाने के बाद। अब खाना खाने के बाद आ रही है, अब गेम है इसको तोड़ने का, इसको नीचे लाना है, सबसे बड़ा गेम है अब, क्योंकि इस यही चीज है जो नहीं टूट रहा है चैन, तो इसी चैन को तोड़ना है शुगर, तभी कंट्रोल हो पाएगा। तो इसके साथ में अब एक चीज और भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखने को आ रहा है इसमें कि डायबिटीज की गोली, जो पतंजलि का वेलनेस की ये बुक है, इनकी जो ये बुक है वेलनेस उपचार पद्धति है, तो इसके अंदर जो इन्होंने बुक में लिखा हुआ है इसमें काढ़ा भी लिखा है और गोलियां भी लिखी हुई है, ये देखिए वन फिट। कोई इसका इमेज भी निकाल सकता है, आप भी फॉलो कर सकते हैं कि गिलोय कौत है, चिरायता कौत है, ठीक है, फिर मंदवासिनी वटी है, गिलोय घनवटी है और मधुगीट वटी है। अगर इस चीज को फॉलोअप करते हैं तो शुगर कंट्रोल होगी, तो आयुर्वेदिक गोलियां कुछ खानी पड़ेंगी, क्योंकि शुगर आके यहाँ पे, अब मैंने डाइट में भी आपको दिखा दिया है, सारे डाइट इससे फॉलोअप हो रहा है, लेकिन शुगर आके वहीं स्टॉप कर जा रही है, वो 200 पाके रुक रही है। तो मुझे आप बहुत लोग, जबकि मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है, आप समझ लीजिए बात को, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है, बॉडी में भरपूर एनर्जी है, सुबह 4 बजे उठने के बाद भी भाई भरपूर एनर्जी है, इतनी एनर्जी रहती नहीं थी, लेकिन इस डाइट से बहुत फायदा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ फायदा काफी ज्यादा है। लेकिन डेली बेस पे इतना फॉलोअप करना भी इतना आसान काम नहीं है रोज सबके लिए, लेकिन आप हम लोग इसको करते रहेंगे, प्लस इसमें कल के दिन में गोली ऐड करके देखूंगा इसको आयुर्वेदिक, कि उस गोली के ऐड करने से क्या इसमें फर्क आता है वो भी देख लेंगे। अगर फर्क आता है तो गोली खाने में, आयुर्वेदिक गोली खाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी आयुर्वेदिक ही है, चाहे आप उसका जूस पीजिए या चाहे उसका गोली खाइए। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।